आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलिए। एक मिनट, चुप हो जाइए, म्यूट कीजिए इनको, म्यूट कीजिए। जी हाँ देवियों और सज्जनों, बड़ी खबर इस वक्त की यहाँ पर आ रही है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। जी हाँ, इंस्टाग्राम यहाँ पर टिकटॉक बन चुका है। जी हाँ, टिकटॉक बैन के बाद ये बहुत बड़ा कदम यहाँ पे हमें दिख रहा है इंस्टाग्राम की तरफ से। जी हाँ देवियों और सज्जनों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहाँ पे, राहत मिल चुकी है बहुत सारे बेरोजगार हुए टिकटॉकर्स को। जी हाँ, बेरोजगार हुए टिकटॉकर्स के लिए बहुत ही राहत की बात है यहाँ पर, हमारे फेक न्यूज चैनल पे सबसे पहले बड़ी खबर यहाँ पर, इंस्टाग्राम बना टिकटॉक। जी हाँ देवी और सज्जनों, यहाँ पे ये बहुत ही राहत की खबर है, नया फीचर रील्स नाम का जो है इंस्टाग्राम ने लॉन्च कर दिया है यहाँ पर, और इस लॉन्च के बाद जी हाँ बिल्कुल टिकटॉक जैसा एक एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंस्टाग्राम के अंदर। ये बहुत बड़ी खबर है देवी और सज्जनों इस वक्त की, खासकर उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो यहाँ पे ट्रेंड फॉलो करके डिप्रेशन का नाटक कर रहे थे टिकटॉक के बैन होने के बाद। जी हाँ, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि इस नए फीचर के ऊपर वो अब इंस्टाग्राम के ऊपर भी पाउडर उड़ा सकते हैं, मुंह भी बना सकते हैं देवियों सज्जनों, और साथ ही साथ वो जो नवयुवक है वो यहाँ पे कपड़े भी बदल सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देवियों सज्जनों बहुत बड़ा बयान यहाँ पे आया है। जी हाँ, बहुत बड़ा बयान, सिर्फ और सिर्फ हमारे फेक न्यूज चैनल पे आपको बताया जाएगा। बहुत बड़ा बयान दिया गया है यहाँ पे बिहार में वर्ल्ड फेमस बिहारी अंकल के द्वारा। जी हाँ, इसी बात पर, रील्स के आने पर बड़ा बयान यहाँ पे। जी हाँ, आइए सुनते हैं हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिवली बड़ा बयान। अरे तो भैया, हम कहाँ बोल रहे थे कि हमको जो है बहुत ही बुरा लग रहा है इन टिकटॉकरों के लिए। अब वो रशिया को ही देख लो यार, इतने दिनों से डिप्रेशन जैसी खतरनाक चीज़ का बहाना मार के बैठा था वो, कबाब घुंघरू बताया हमें, तो हम जो है एक कनपट्टी में बजाय रशिया के सारा का सारा डिप्रेशन निकल गया। अरे सर, पर वो रील्स। अरे हाँ हाँ, वो रील फिर जो भी फीचर है वो के लिए जो है एक ही बात हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से कि भैया जो मन में आए वो करो उस फीचर के साथ, लेकिन अगर किसी ने भी पीछे गाना लगा के उस पर लिप सिंक करने के बाद उसे कंटेंट बुलाने की गलती की है तो माँ की कसम खा के बताए दे रहे हैं वो रील की झील में डुबा देंगे। तो जी हाँ, ये था जो बड़ा बयान यहाँ पे जो दिया गया है बिहारी अंकल के द्वारा। जी हाँ, ओ ओ ओ, तो यहाँ पे एक और बड़ा बयान यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। जी हाँ, टिकटॉक जगत के स्टार रह चुके चमकीले चूजे उर्फ चैंप चू की तरफ से यहाँ पे ये बड़ा बयान दिया गया है। जी हाँ, हमारे विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला था कि टिकटॉक बैन के बाद ये भी बेरोजगार हो चुके हैं, तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है जो बड़ा बयान इन्होंने दिया है। सर, इंस्टाग्राम पे रील्स आ गया है, अब आप वापस पाउडर उड़ा सकते हो। ओ भाई, क्या बात कर रहा है, रुक 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 रुक, कितनी बार बोला यार, ये कैमरा ना मेरे से बिना पूछे ऑन मत किया कर, समझा? हाँ रुक। अरे तुम्हें क्या लगा हम ऐसे ही बेरोजगार हो जाएंगे? अरे तुम्हें क्या लगा हम ऐसे ही बेरोजगार हो जाएंगे? अरे टिकटॉक बंद हुआ तो क्या हुआ यारो, हम ऐसे लोग हैं जो अब इंस्टाग्राम रील्स पे कंटेंट बनाएंगे। ओ हेलो देसीज, मेरा नाम है तिनबी। All right, so what is up squad? How you guys doing? Hope you're doing great. It's your boy Thin Beast here. तो अगर तुम भी उन प्यारे प्यारे लोगों में से हो जिन्हें कमेंट सेक्शन में इसकी कॉपी उसकी कॉपी लिखने में बहुत मजा आता है, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 20 सेकंड के अंदर ना प्यूडीपाई, कैरी मिनाटी, साइमन सेज, दानिश जियान, ओनली देसी, इन सब की कॉपी कर दी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतने पता चले होंगे। चले क्या? बताओ बताओ। ए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आ रहे हैं टॉपिक पे भाई, आ रहे हैं। हाँ तो मतलब वो अपना इंस्टाग्राम का ये जो फीचर है, मतलब इंस्टाग्राम का अपना टिकटॉक। ओए तौबा तौबा तौबा, नाम गलत नहीं लेना, नहीं तो इन्फ्लुएंसर लोग क्या कहेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। रील्स रील्स, हाँ भाई ठीक है,
रील्स बढ़िया है यार, मतलब ऐसे रील्स फीचर आया, हाँ लोगों को पसंद भी बहुत आ रहा है, तो मतलब मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, है ना यार, ऑब्वियसली व्यूज के लिए, और भाई चाहिए भी क्यों नहीं, मतलब मेरी वीडियोस पे कुछ खास व्यूज तो आते भी नहीं है, तो चाहिए यार, मतलब तो यार कीपिंग दिस असाइड, हाँ मतलब एक बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि यार गजब का डेडिकेशन है यार इन टिकटॉकर्स में, मतलब भाई अब भी फीचर आया है और एक ही दिन के अंदर 20-20 वीडियो, 50-50 वीडियो, पर यार मेरे टिकटॉकर भाइयों बहनों एक रिक्वेस्ट है मेरी बस आप लोगों से कि भाई वो अभी पैदा हुआ है, सालों उसको सांस तो लेने दो, मतलब यार एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अब हमें ना इंस्टाग्राम पे भी ऐसे पाउडर उड़ते हुए दिखेगा, लोग कपड़े बदलते हुए दिखेंगे, म्यूजिक वाले कोटेशन सुनाई देंगे, बहुत सारे जोकर दिखेंगे और तो और बहुत सारे बाप भी दिखेंगे, लेकिन नहीं 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 हमें ना बहुत सारे अच्छे कॉन्टेंट क्रिएटर्स भी दिखेंगे, लेकिन ना प्रॉब्लम ये है कि ये टिकटॉकर्स में से अच्छे कॉन्टेंट क्रिएटर्स के मिलने के चांसेस उतने ही हैं जितने वो विकास दुबे के असल में पुलिस से गन लेके भागने के, यानी कि ना के बराबर। पर यार इस बार भी हमेशा की तरह जुकरबर्ग भैया ने ना बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल सक्सेसफुली एक पॉपुलर ऐप को कॉपी मार डाला, बस मतलब इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और हाँ भाई सब्सक्राइब कर देना यार अगर अच्छा लगा हो तो, मुझे थोड़ा ना 500 सब्सक्राइबर देखना है मेरे ये चैनल पे।